मेरी बहुत ही अच्छी फिल्म है तेरे जैसा यार कहाँ, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रवि भूषण जी, और इसमें मेरे अपोजिट जो हैं हीरो उनका नाम है आकाश सिंह। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं आकाश सिंह, और उनकी ये पहली फिल्म है भोजपुरी में, और बहुत अच्छी बनी है फिल्म, बहुत इंटरटेनिंग है, इसके गाने बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग जाइए 14 अप्रैल को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखिए तेरे जैसा यार का। जी, इस फिल्म में मैंने एक फिल्म के अंदर हीरोइन का एक किरदार प्ले किया है जो काफ़ी डिफरेंट रहा और नेचुरल भी रहा, क्योंकि हम लोग के नॉर्मल हम लोग की जो लाइफ है उसी को प्ले करना था। अच्छा किरदार है और कुछ अलग है, आप लोगों को पसंद आएगा। उनके साथ काम करके ऐसा नहीं लगा कि ये उनकी फर्स्ट फिल्म है, वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख के आए हैं, काफ़ी अच्छे डांसर हैं वो, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं वो, उनका अभिनय बहुत अच्छा है, और अच्छा लगा उनके साथ स्क्रीन शेयर कर। हाँ, ये मेरे लिए लकी बात है कि कुणाल सिंह जी के बेटे आकाश सिंह लॉन्च हो रहे हैं मेरे साथ, तो ये मेरे लिए मैं लकी हूँ कि वो मेरे साथ उनकी फ़र्स्ट फिल्म आ रही है भोजपुरी में, और कुछ अच्छा हो उनके लिए, ये फिल्म उनको काफ़ी नाम दे, काफ़ी शोहरत दे और काफ़ी सारा इंडस्ट्री में काम दे। पवन सिंह जी बहुत अच्छे गायक के साथ में बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी हैं, मेरे फेवरेट सिंगर भी हैं वो, तो उनके लिए जो भी कहें वो कम है, और बहुत अच्छा है, जाके आप इस फिल्म को देखें। हाँ, रवि भूषण जी जो हैं ये एनिमल प्रेमी हैं बहुत ज़्यादा, इनकी हर फिल्म में कोई ना कोई आपको जानवर दिखेगा, इस फिल्म में आपको डॉगी दिखेगा जिसको जो एक मतलब उसके साथ कैसे स्टोरी घूमती है, वो कितना हेल्प करता है हर चीज़ों को लेके, ये आप देख सकेंगे इस फिल्म में। ये कहना गलत है, वो शायद हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, और हर कोई भी जीव हो सबको प्यार पसंद है, आप उनसे भी प्यार से काम कराएं तो वो हमसे ज़्यादा और हमसे अच्छा काम करते हैं। बहुत 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 इंजॉय किया सेट पे, फुल टू मस्ती होती थी उसके साथ, बहुत खेलते थे जादू के साथ में, और बहुत अच्छी बहुत अच्छा लगा काम। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के बारे में जो कहा जाए कम है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी म्यूज़िक कंपनी है, काफ़ी प्रमोट करती है हमारे फिल्म्स को, हमारे म्यूज़िक को लोगों तक पहुंचाती है, सब सुन पाते हैं हमारे गाने, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिवेट रहते हैं। रत्नाकर जी जिनकी ये कंपनी है, थैंक यू कि आप लोग हमारे सॉन्ग्स को हमारे सारे व्यूवर्स तक पहुंचाते हैं उसके लिए। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अब तक अंजना सिंह को जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, 14 अप्रैल को जाएँ और तेरे जैसा यार कहाँ देखें, उसी सेम प्यार और आशीर्वाद के साथ में, और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, और ये प्रॉमिस है कि आपको ये फिल्म और वो फिल्म से अलग नज़र आएगी। मेरी 5 मई को रिलीज़ हो रही है शहंशाह, जो रवि किशन जी के साथ में है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, और उसके बाद मेरी फिल्म रिलीज़ होगी जून में जिगर, और अभी रिसेंटली आज क्या है 7 अप्रैल को अभी रिलीज़ हुई है मेरी त्रिशूल, और भी काफ़ी सारी फिल्में हैं जो लाइनअप हैं रिलीजिंग के लिए, तो हर महीने कुछ ना कुछ अलग है आपके लिए, आप लोग बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद है जो आ जाए।